कैसे घूम रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पे पूजा भी हो गई है और आज मेरा फास्ट भी है, तो मैंने सोचा सुबह पूजा वगैरह करके, और यहाँ पे सफाई वगैरह भी करी थी और दिया वगैरह सब जला दिया है। तो अभी मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है यार, मेरा कुछ काम है। और यहाँ पे मेरी चाय आ गई है आज की, बेटी तो रोटी खा रही है पर मेरा फास्ट है तो मैं चाय पीऊँगी। दोस्तों ये जो चाय है ना अनन्या ने बनाई है ना, अब बहुत टेस्टी बनाई है यार, झाड़ू भी मारा है उसने। मतलब थोड़ा थोड़ा काम सिखा रही हूँ मैं उसको, थोड़ा थोड़ा काम करना आना चाहिए ना बच्चों को भी। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस, और इन सीढ़ियों में हालत ख़राब हो रही है, कितनी खड़ी चढ़ाई है ना, और एक तो नाला, ऊपर से सांस लेने में दिक्कत होती है इधर पता। तो अभी जा रही हूँ मैं रास्ते में, थोड़ा मेरा पोस्ट ऑफिस में काम था तो वही करने जा रही हूँ, वो कुछ सामान भी लेना था मार्केट से तो उसी को करने जा रही हूँ अभी। ये है रास्ता, ओ भाई पैदल तो नहीं चला जा रहा, बहुत गंदी आदत हो गई स्कूटी की। ये भी तो वही साइज है जो वो वाला साइज है, वही तो साइज है इसका भी, चलो नहीं इसमें। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। तो बस है यार आज है जो नवरात्रि का अष्टमी है, और आज सुबह से ही ना मेरा इतनी ज़्यादा मतलब सर घूम रहा है यार, पता नहीं क्यों बीपी लो हो गया शायद मेरे को लग रहा है। बॉडी में ना ऐसे मतलब अजीब सी कंपन टाइप की हो रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है, वैसे मुझे होता नहीं है ऐसा, पर आज सुबह से ही ऐसे ही लग रहा है, मेरी तबीयत ख़राब जैसी लग रही है मुझे। और ये स्कूल जा रखे हैं और इन्होंने बोला कि मेरे लिए खाना मत बनाना क्योंकि वो स्कूल से खा के आएंगे, मतलब उधर ही खा लेंगे, सुबह नाश्ता कर दिया था तो बोल रहे कि मैं कुछ खा लूँगा फिर अनन्या के लिए रोटी बनाती हूँ। और मेरा तो फास्ट ही है, तो अभी टाइम 2 बज रहा है, 3 बजे 3:30 बजे फिर कीर्तन में जाना होता, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ना इसके लिए थोड़ा सा एक रोटी बना लूँ और परांठी बना लेती हूँ, ये कह रही मुझे परांठी बना ले, और फिर उसके बाद तैयार तैयार होके फिर चलते हैं कीर्तन में। तो रूम भी अच्छे से क्लीन वगैरह हो गया था, सुबह ये हो गया था ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद मैं मार्केट गई थी, फिर मार्केट से आने के बाद तो फिर अभी यहाँ अंदर का भी था, कपड़े ऐसे फैला रखे, ये प्रसाद बना रखा वहाँ पे, और ये पूजा करी थी मैंने सुबह करी थी। तो और आज मैं ना एक रिंग लाइट लेके आई हूँ, ये वाली रिंग लाइट लेके आई हूँ क्योंकि ना मुझे रिंग लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी यार, ये वाली रिंग लाइट लेके आई हूँ, अभी बाद में करूँगी ओपन, अभी टाइम नहीं है। और ये थोड़ा मुझे ना चाहिए था कभी वीडियो वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि कमरे में लाइट इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो इस वजह से मैं ये वाला लाइट लेके आई हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग बाद में करूँगी क्योंकि यार अभी मुझे ना टाइम नहीं है मेरे पास, मीन्स कि टाइम तो है पर मुझे अभी इसको खाना बनाना है, फिर तैयार होके फिर कीर्तन में जाना है, तो फिर वहाँ से आने के बाद इसको ओपन करूँगी। ठीक है आ जाओ, क्या देख रहे हो आप फोन में? तो दोस्तों मैंने अनन्या के लिए 2 परांठे बना दी, अब बेटू खा रहा है ना बेटू, ओ वाह पूरा फिनिश करो ठीक है, तो रोटी इसको भी फिनिश करो, इसको भी फिनिश करो। सो दोस्तों हम तैयार हो गए हैं और अब चल रहे हैं कीर्तन में, और ये कीर्तन लास्ट आज ही तक है यार, वाला ब्लॉग है ना वो आज ही तक आएगा, कल से थोड़ा अब नया कुछ नया ब्लॉग आएगा कहीं, तो कल कहीं जा भी सकते हैं तो वो सुबह पता चलेगा, क्योंकि मौसम का भी आजकल कोई भरोसा नहीं है, तो मौसम देख के बताएंगे कहीं जा सकते कि नहीं जा सकते। ठीक है, और कहीं जाएंगे तो आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा। और मैंने आज ये वाली साड़ी पहन रही थी, और इसका ब्लाउज बहुत ही अजीब है यार, बहुत ही अजीब मीन्स कि ऐसा फुला फुला ना, जो मतलब मोटा नहीं भी होगा ना वो भी इतना मोटा मोटा सा लगता है इसमें, तो इसका कपड़ा कुछ ऐसा है, वेलवेट का कपड़ा है ना, तो इस वजह से कुछ ऐसे ही लगता है।
तो दोस्तों अभी मैं कीर्तन से आ गई हूँ और हूँ प्रसाद बनाने के लिए, क्योंकि पूजा का टाइम हो गया है, 8 बज गया है। तो मैं पूजा पहले प्रसाद बना लेती हूँ, तो फिर उसके बाद पूजा करूँगी। और प्रसाद में मैं बनाने वाली हूँ सूजी, हूँ उसी की रेसिपी शेयर भी करूँगी आप लोगों के साथ, माता रानी का प्रसाद। तो चलते हैं किचन में क्योंकि टाइम आ रहा मुझे। तो यहाँ पे ये ला रखे हैं सूजी और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह ला रखे हैं सूजी में डालने के लिए। तो इतना मैंने इनसे छोटे छोटे पैकेट मंगवाए थे, बट ये बड़े बड़े लेके आ गए। तो कोई बात नहीं, बाद में यूज हो जाएंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ सूजी, मैंने ये कढ़ाई रख दी है। क्या आप भी नहीं हो तो नहीं के कितने का? अच्छा अगर क्रस्टी प्लस्टी तो यहाँ पे जो हमारी ने सूजी ब्राउन हो गई है थोड़ी सी, और अभी हम इसमें पानी डालेंगे। उसके बाद थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डाले मैंने, और उसके बाद ये सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले। इसके बाद डालेंगे इसमें पानी। तो थोड़ी सी बनाई मैंने प्रसाद, ज़्यादा नहीं बनाया क्यों। तो यहाँ पे ना हमने सूजी में पानी डाल दिया है, तो इसको हल्के सा पकाएंगे, फिर उसके बाद हमारा प्रसाद बन जाएगा। थी मैंने, ये देख रहे हो, मैं ऐसे माचिस जला रही थी और वो एकदम से ना मेरी आंख में चला गया, और उस टाइम से बहुत ही मतलब ऐसा हो रहा, आंख ऐसा लग रहा ना मुझे कि मतलब यार ऐसी कटी कटी सी नहीं होती है, ऐसा फील हो रहा, पता नहीं कटा कि नहीं कटा।